यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 133 कासगंज से पीलीभीत पैसेंजर अपने निर्धारित समय दोपहर के 3:00 बजकर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि स्टेशन पर एक ही आवाज गूंजती है और वो है यात्रीगण कृपया ध्यान दें। इस आवाज को हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आवाज के पीछे कौन है? शायद नहीं, तो आइए आज हम आपको बताते हैं। इस आवाज के पीछे सरला चौधरी हैं। जी हाँ, सरला को पिछले 20 सालों से ज्यादा हो चुका है ये काम करते हुए। 1982 में रेलवे में अनाउंसर पद के लिए आई थी और टेस्ट में सफल होने के बाद अनाउंसर के रूप में वे काम करने लगी। इस काम के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और कई समय की मेहनत के बाद साल 1986 में सरला ने अनाउंसर पोस्ट पर परमानेंट होने का फैसला लिया। सरला ने इस काम को बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा से किया और इसे रिकॉर्ड करने में उन्हें हर बार कम से कम 3 से 4 दिन का वक्त लग जाता था, वो भी केवल एक स्टेशन पर नहीं बल्कि अलग अलग कई स्टेशन पर। बात की जाए रिकॉर्डिंग की तो वो भी एक भाषा में नहीं बल्कि कई अलग अलग भाषाओं में होती रही है। अब सरला की आवाज कंट्रोल रूम में सेव है और सरला इस कार्य से रिटायर हो चुकी हैं। लेकिन आज भी उनकी आवाज हर रेलवे स्टेशन में गूंजती है। सरला इस बात से बहुत खुश हैं कि सभी उनकी आवाज को पसंद करते हैं। मार्च की शुरुआत से ही हम सभी को फोन पर एक ही कॉलर ट्यून सुनाई देती है। कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने वाली इस आवाज में हमसे कहा जाता है, कोरोना वायरस या COVID-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है, मगर याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। उनसे भेदभाव ना करें, उनकी देखभाल करें और इस बीमारी से बचने के लिए जो हमारी ढाल है, जैसे हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस, सफाई कर्मचारी आदि, उनको सम्मान दें, उन्हें पूरा सहयोग दें। इन योद्धाओं की करो देखभाल तो देश जीतेगा कोरोना से हर हाल। अधिक जानकारी के लिए स्टेट हेल्पलाइन नंबर या सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आप सभी ने यह संदेश जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये आवाज किसकी है? कौन है वो जो मधुर आवाज में नागरिकों को कोरोना या COVID-19 के प्रति जागरूक कर रही है? आपके मन में कभी न कभी तो ये सवाल आया ही होगा कि आखिर ये आवाज किसकी है, तो आज हम आपको बताते हैं। यह वॉइस ओवर जैस्लीन भल्ला की है। जैस्लीन जानी मानी वॉइस ओवर कलाकार हैं और अगर आप टीवी तथा रेडियो पर आने वाले विज्ञापनों को ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा कि इस आवाज को आप पहले भी सुन चुके हैं। जैस्लीन ने अपने करियर की शुरुआत खेल पत्रकार के तौर पर की थी, बाद में उन्होंने वॉइस ओवर कलाकार के तौर पर खुद को व्यस्त कर लिया और पिछले 10 वर्ष से वो ये काम कर रही हैं। अगर आपने डोकोमो, हॉर्लिक्स और स्लाइस मैंगो ड्रिंक का विज्ञापन ध्यान से सुना हो तो आप इस आवाज़ को जरूर पहचान जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ हमारे सीक्रेट वॉइस फेमस आर्टिस्ट। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। हम ऐसे वीडियो डेली लाते हैं, तो चलिए आपसे अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।